मैं प्रीति और आप सभी का स्वागत करती हूँ ऑल हेल्थी टिप्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आपको शोल्डर में दर्द रहता है, शोल्डर में खिंचाहट महसूस होती है या फिर हाथ उठाने में मुश्किल होती है, जब भी आप बैठते हैं, हाथ उठाते हैं या कोई काम करते हैं तो आप उठ नहीं पाते हैं, आपकी हड्डियां में से कट कट की आवाज आती है, अकारण ही आपका गर्दन खिंचा खिंचा सा रहता है, कभी कभी गर्दन आपका ऐसे झुकने में भी दर्द होता है, तमाम नसों में जो ब्लॉकेज की समस्या है, इसी के समाधान पे आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ जो आप सभी के लिए बहुत ही लाभप्रद होने वाली है। तो वीडियो को कृपया पूरा देखिएगा। इसके समाधान के लिए मैं दो चीजें आपको बताऊंगी। पहला, यौगिक क्रिया करना है। इसमें बहुत ही आसान यौगिक क्रिया है, आप इसे बैठे बैठे अपने घर में आसानी से कर सकते हैं बिना किसी मुश्किल का। और दूसरा जो क्रिया मैं बता रही हूँ वो अपने घरेलू नुस्खा से इसका समाधान मैं बताऊंगी। तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, हेल्दी टिप्स के लिए। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि ऐसा होता क्यों है, ये दर्द होता क्यों है। कारण जानना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, अगर हमारे शरीर में कोई भी नसें ब्लॉक हो जाती है, मानते हैं कि ये हमारा, मान लीजिए कि ये हमारा हाथ है और यहाँ पे नस है, तो ये नस अगर यहाँ से यहाँ शोल्डर से लेकर पूरे हाथ तक अगर ब्लॉक हो जाती है तो उसकी वजह से ये समस्या उत्पन्न होती है। नसों का ब्लॉक होने का सबसे जो कारण होता है वो होता है लीवर का साफ नहीं होना। तो लीवर साफ अगर नहीं होंगे, यानी हम अगर कुछ जंक फूड खा लेंगे, बाहर का खाना खा लेंगे कम एज में, और जो भी बूढ़े हैं उनके लिए तो ये समस्या आम है। तो अगर वो जैसे कि ऑयली खाना खा लिया, बहुत ज़्यादा फ्राइड खा लिया, तो फिर नसें जो हैं वो धीरे धीरे हमारे शरीर में ब्लॉक होने लगती हैं, क्योंकि लीवर में बहुत ज़्यादा फैट हो जाने की वजह से लीवर उनको साफ नहीं कर पाता है। तो आइए हम बताते हैं आपको ये होता कैसे है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जैसे कि यहाँ पे आपकी नसें हैं, ठीक है, ये नसें हैं और यहाँ पे जैसे कि फैट बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया, लीवर उसको साफ नहीं कर पाया, तो नसों में फैट इकट्ठा होने लग जाता है और उसकी वजह से जो आपका खून है, यानी जो ब्लड का सर्कुलेशन, वो ठीक से पास नहीं हुआ, ब्लड इससे ब्लड सर्कुलेशन पास करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो जो ब्लड है वो हमारे ऑक्सीजन को हर पूरे शरीर में फैलाता है और जिससे हमारे शरीर चुस्त दुरुस्त रहती है और स्वस्थ रहती है। लेकिन अगर वो ठीक ढंग से पास नहीं हो पाएगा जो ब्लड है, तो उसकी वजह से दर्द होने लगती है, हमारी जो शरीर है वो बेजान होने लगती है, हम समझ सकते हैं। तो आज सबसे पहले मैं बताऊंगी, कुछ यौगिक क्रिया से शुरू करूंगी, बताऊंगी जिससे आपके जो नसों में ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से आपको दर्द हो रही है, या फिर आपको ये दोनों हाथों में दर्द हो रही है, गर्दन में दर्द हो रही है, आपके शोल्डर में जकड़न सी हो रही है, गर्दन हिलाने में प्रॉब्लम हो रही है, आपके शोल्डर कुछ इस प्रकार से झुक गई हैं, तो इन सभी तमाम चीजों से आपको राहत मिलेगी इस योगिक क्रिया से। और दूसरा मैं बताऊंगी जिससे आप अपने लीवर को साफ रख सके घर में, घर के घरेलू किचन में जो आप सामग्री यूज करते हैं उसकी मदद से। तो चलिए शुरू करते हैं कि योगिक क्रिया हमें क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आप कहीं भी अच्छी तरह से आप बैठ जाएं आराम जगह पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं कुर्सी पे बैठ गई हूँ बहुत आराम से, और यहाँ पे मैं दोनों हाथ का प्रयोग करूंगी जिससे हमारे शोल्डर में जो ब्लॉकेज है और हाथ में, दोनों हाथ में जो ब्लॉकेज है वो ठीक होगी। तो सबसे पहला तरीका मैं बताती हूँ, अपने हाथ को आगे ऐसे कर लेना है मुट्ठी बांध कर, ठीक है। मुट्ठी बांधने के बाद याद रखिए ये जो अंगूठा है, ये अंगूठा पहले ऐसे हाथ को खोले, अंगूठा ऐसे अंदर की तरफ होना चाहिए, तब ये उंगलियां ऐसे बंद होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें सांस खींचना है हल्का सा और इसे खोलना है, फिर हमें सांस छोड़ना है और इसे अंदर की तरफ अंगूठा को करके ऐसे बंद करना है, जैसे मैं दिखाती हूँ, ठीक है। और एक बार ऐसे करना है, दूसरी बार में आपको क्या करना है, अंगूठा को बाहर रखना है और ये उंगलियां पहले बंद करना है और ऐसे अंगूठा को बाहर रखना है, ऐसा आपको 5 से 6 बार करना है। तो चलिए करके दिखाती हूँ मैं आपको। ठीक है, तो ऐसा आपको 5 से 6 बार रिपीट करना है। इसकी वजह से जो आपके गर्दन, यहाँ पे जो ब्लॉकेज हो गई है, जकड़न सी हो गई है, दर्द हो रही है, गर्दन में जो दर्द हो रही है, ब्लॉकेज हो गई है, उनसे आपको
समाधान मिलेगा। और दूसरा आपको क्या करना है, अभी शुरुआत में सिर्फ आपको दो मैं क्रिया बताऊंगी और एक लास्ट में बताऊंगी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे अपने मुट्ठी को बंद कर लेना है और ऐसे ऐसे गोला घुमाना है 2 से 3 बार, फिर इस तरह से उल्टा करके ऐसे घुमाना है 2 से 3 बार। तो इससे आपके हाथों में जो ब्लॉकेज है उससे राहत मिलेगी। अभी मैं और भी ज्यादा आगे जाकर बताती हूँ जिससे आपको और भी ज्यादा आराम मिलने वाला है। तो देखिए, ये आपका हाथ है, ठीक है, और इसमें जो आपकी ये वाली जो उंगली है और ये वाली उंगली है, ठीक है, और ये वाली उंगली है, तीन उंगलियों का प्रयोग मैं करने वाली हूँ। तो जो ये वाली उंगली है वो एक हाथ मानकर चलिए, ये आपका हाथ हो गया और यहाँ पे आपका शोल्डर हो गया, ये आपका हाथ हो गया पूरा और यहाँ पे शोल्डर हो गया, और ये जो हुआ अंगूठा ये आपका हो गया गर्दन में, यानी गर्दन में अगर जकड़न हो रही है तो ये अंगूठा पे आपको फोकस करना है। आपको दूसरे हाथ लेना है और दूसरे हाथ में यहाँ पे मुट्ठी बनाना है। जैसे गर्दन के लिए अगर हम कर रहे हैं सबसे पहले, तो गर्दन में आपको इस तरह से, जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको फोकस करना है, इस तरह से आपको इसको घुमाना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, अगर आपको यहाँ पे रुखरापन लग रहा है तो यहाँ पे आप कोई सा भी तेल लगा लें, घर में जो भी तेल आप मसाज के लिए प्रयोग करते हैं लगाने के लिए, वहां पे आप प्रयोग कर सकते हैं। और आपको ऐसे ऐसे करना है, आपको 2 से 3 मिनट के लिए कम से कम करना है शुरुआत में, और फिर यहाँ इस उंगली को भी करना है। इससे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पूरे हाथ में और यहाँ पे, इसे यहाँ पे ऐसे करने से शोल्डर में भी जाएगा। सिर्फ ये हाथों के लिए भी करना है, यानी अगर आपको इसको इसको और इसको कर लेंगे तो इससे आपका दोनों हाथ का जो ब्लॉकेज है वो बहुत जल्दी आराम मिलेगा, और शोल्डर का यहाँ से आराम मिलेगा यानी कंधे का, और साथ में अगर इसमें अगर यहाँ पे ऐसे करेंगे तो इससे आपको जो गर्दन में जकड़न हो गई है, गर्दन में जो समस्या है, उससे आपको निजात मिल जाएगी। तो इसे आप जरूर से करिएगा दोस्तों, ये बहुत ही लाभप्रद है और बहुत ही जल्दी आपको इससे राहत भी मिलेगा। और चलिए मैं आपको लीवर के लिए बता देती हूँ क्या करना है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। लीवर के लिए घरेलू नुस्खा ही होती है, लौकी को अपने बाजार से जाएं लेकर आएं, फ्रेश होनी चाहिए, या फिर अगर आपके पास सब्जी मंडी है वहां से लेकर आएं लौकी यानी कद्दू, और उसको लौकी को अच्छी तरह से पहले साफ कर लें, उसके छिलके को उतार लें, और लौकी का एक गिलास आपको जूस बनाना है। एक गिलास जूस में आप धनिया का पत्ती का भी जूस बनाएं, और उस धनिया के पत्ती का आपको 4 चम्मच जूस उसमें बड़े चम्मच से, टेबल स्पून जिसे बोलते हैं, उसमें मिला देना है। और थोड़ा सा आपको चुटकी भर आपको डालना है काला नमक, चुटकी भर काला नमक डालें। अगर आपके पास गिलोई अगर मौजूद है तो गिलोई, अगर नहीं मौजूद है तो आप उसे बाजार से भी खरीद कर ला सकते हैं। गिलोई आपको बहुत थोड़ा सा, आधा चम्मच डालना है, अगर टैबलेट है तो 1 टैबलेट का 1/4 हिस्सा आपको डालना है, और इन सभी को मिला लेना है। साथ में उसमें 1/2 चम्मच छोटे चम्मच से हल्दी का पाउडर डालना है, सभी मिक्सचर को मिलाकर, और इसे आपको सुबह सुबह खाली पेट पीना है। इससे आपके नसों में जो भी समस्या है, ब्लॉकेज हो गई है आपके पैर के नसों में, हाथ के नसों में, साथ ही साथ आपके पेट में अगर ब्लोटिंग रहती है, खाना नहीं आपका डाइजेस्ट हो रहा है, नहीं पच रहा है, अपच हो रहा है, खट्टी ढकार आ रही है, इन सभी में इसे राहत मिलेगा, क्योंकि ये सारे जो प्रॉब्लम है वो लीवर से ही जुड़ी हुई होती है। तो अगर हमारा लीवर साफ रहेगा तो हमारा चेहरा चमकदार रहेगा, हमारी पेट अगर साफ रहेगी तो हमारे नसें साफ रहेंगी, और जिससे हमें कोई दर्द की शिकायत नहीं होगी। दोस्तों एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, अगर वीडियो आपको महत्वपूर्ण लग रही है, नॉलेजफुल लग रही है, तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके पूछ सकते हैं कुछ भी आपको पूछना है, और यहाँ पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, लाल रंग से लिखा होगा रेड कलर से सब्सक्राइब बटन, वहां पे जरूर से दबाइएगा, वहां पे एक बेल यानी घंटी लगी होगी, घंटी को दबा लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा घंटी पर दबाने से, ताकि जो भी मैं ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड वीडियो आपके लिए जब भी लाऊं तो आप उसका पूरा पूरा लाभ उठा सकें। दोस्तों अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, प्रियजनों को शेयर करिएगा, तो शुक्रिया।